नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आजादी के 75 साल पूरे होने को अमृत से जोड़कर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमृत महोत्सव और अमृत काल जैसे नाम लिए जा रहे हैं। 75 साल के इस मंथन में मजहब की राजनीति करने वाले कुछ बड़े नेता विष भी उगल रहे हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने आज शहीदों को क्लासिफाई कर दिया, शहीदों को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। इससे पहले आपने इस तरह की बातें किसी नेता से नहीं सुनी होंगी। ओवैसी का कहना है कि देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी और आज मुसलमानों को ही वफादारी साबित करने को कहा जा रहा है। उनका पूरा बयान सुनिए। 75 साल की आजादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फखर है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए, तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फखर करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन, इफ यू आर अ प्राउड इंडियन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जितनी तरह से आजादी की जंग लड़ी गई, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। नरम दल में गांधी नेहरू के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता थे और गरम दल में आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ शहनवाज जैसे देशभक्त शामिल थे। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का अबुल कलाम आजाद जैसे कई नेताओं ने हर तरह से विरोध किया था। ना तो आजादी की लड़ाई के दौरान किसी से मुसलमानों ने देश की वफादारी का सबूत मांगा और ना ही आज कोई उनसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। फिर शहादत को मजहब के तराजू में क्यों तोला जा रहा है? ओवैसी क्यों तराजू के एक पलड़े में हिंदू शहीदों को रख रहे हैं और दूसरे में मुसलमानों को? 75 साल की एक मैच्योर डेमोक्रेसी में आजादी के जश्न के बीचों बीच इस तरह की बातों का मकसद क्या है? क्या देश की आजादी को, लड़ाई को हिंदू मुसलमानों के चश्मे से देखा जाएगा? आज मुकाबला में हम इसी पर डिबेट करेंगे। हमारा सवाल है कि शहीदों का अपमान क्यों, हिंदू मुसलमान क्यों, और क्या देश के मुसलमान दूसरों से ज्यादा देशभक्त हैं? और ये बात मैं मानता हूं कि वतन अजीज में आज जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसका अंदाजा आपको भी और मुझे भी है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ओवैसी को करारा जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। आजादी में जो ये चिल्ला के कह रहे हैं कि मुसलमानों का, हमने कहा कहा कि नहीं है, लेकिन मुसलमानों का योगदान मैंने नहीं कहा। मैं ये जरूर कहता हूं कि नगण्य नेतृत्व थे मुसलमान के, नहीं तो सब तो जिन्ना के साथ थे। 1906 में आजादी का बिगुल फूक चल रहा था, लड़ाई 1857 से शुरू हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करने का मतलब क्या था? और एक नहीं 20 नाम गिनाऊंगा जो बड़े बड़े नेता उस समय थे, वो देश को तोड़ने की साजिश 1906 से कर रहे थे और जिसका परिणाम 1947 में जिन्ना के नेतृत्व में आया। अब ये दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं और नसीहत दे रहे हैं। अगर नसीहत देना है तो जाकर के दे नसीहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को। जो यहाँ के हिंदू गए थे आज बचे नहीं हैं। भारत के हिंदुओं का दिल देखें, भारत के जो सनातन धर्म का सिद्धांत देखें, जो सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामय, उस आज पाकिस्तान में 1% हिंदू बचा है।
कहां चला गया। और देखिए इसी पर करेंगे चर्चा। एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है, अपराजिता सारंगी सांसद बीजेपी, इसके साथ ही साथ कलीमुल हाफिज नेता AIMIM, विनोद बंसल जी प्रवक्ता VHP, हाजिर खान राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में। कलीमुल साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। देश के शहीदों को जरूरी है धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बांटना? देखिए, सबसे पहले जिन केंद्रीय मंत्री महोदय का आपने बयान चलाया, यही वो शख्स हैं जो बार बार कहते हैं कि लोगों को पाकिस्तान भेजने की एक तरह से उलाहना देते हैं। इसी तरह से इन्हीं से प्रेरणा लेके जो इन RSS के जो सहयोगी संगठन हैं वो अलग अलग तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो उनका पहनावा हो, चाहे उनका खाना हो, चाहे उनके ज़बान हो, यानी जिस बात की गारंटी मुजाहिदीन आज़ादी यानी स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान के थ्रू हमें दी थी कि आपको यहाँ जस्टिस होगा, यहाँ फ्रीडम होगी, यहाँ आपके लिए इक्वलिटी होगी, यहाँ फ्रेटर्निटी होगी, उसके खिलाफ ख़ास तौर से यही वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और इनका निशाना हमेशा मुसलमान रहते हैं। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल पूरी तकरीर सुनिए, इनकी आंखें खोल देने के लिए वो तकरीर है, और उसमें बाकायदा उन्होंने कहा भी कि ये मैं खास तौर से उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो हिंदुस्तान की तारीख से नावाकिफ हैं, जो ना जानते हुए मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब टू नेशन थ्योरी का कांग्रेस में प्रस्ताव रखा गया तो प्रस्ताव रखने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, उसको सेकंड किया मौलाना आजाद ने, लेकिन उसकी जो मुखालफत की वो मौलवी हिफ्जुर रहमान शिवारवी ने की थी। और क्या कहा था उन्होंने मुखालफत करते हुए? ये कहा था कि ये हम अपने हाथ से अपनी तारीख खत्म कर रहे हैं। नहीं, अगर इस मुल्क का विभाजन होगा, मैं आपकी बात को बड़े विस्तार से सुन रही थी, आपको बीच में मैंने टोका नहीं, लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है, आप देश के शहीदों का अपमान कैसे कर सकते हैं? आप हिंदू मुस्लिम हर मुद्दे में लेके आते हैं, लेकर आइए, लेकिन सर ये कैसा मुद्दा है जो हमारी देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, इसमें कैसे हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं? नहीं, हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देश को ये बता रहे हैं कि देश के मुसलमान, देश जानता है, देश जानता है सर कितनी कुर्बानी, ये देश जानता है अपना इतिहास, मुसलमानों को ये नगर करना चाहते हैं, ये देश जानता है अपना इतिहास। प्राची जी, मैं जरा बताऊं इनको क्या, एक सेकंड में लेके आ रही हूं सर चर्चा में आपको, देश जानता है अपना इतिहास, उसको तो तकलीफ क्या है? आप बांट कर मत बताइए ना, चश्मा पहन कर मत बताइए ना, आप सबकी बात करिए ना, आप सबकी बात करिए ना, क्यों आप कैसे हिंदू मुसलमान में बांटने लग जाएंगे? अपनी कुर्बानियां दी है तो गलत क्या है सर? कुर्बानी दी गई है हमारे देश में, शहीदों ने कुर्बानी दी है, कभी किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं कहा। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं प्राची, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कपड़ों को देख के पहचान लेते हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री 80-20 करते हैं, हमारे देश के और जो दूसरे मंत्री जहां गिरिराज सिंह जी हो पाकिस्तान भेज देते हैं, तो इनका जवाब हम ऐसे मौके पर भी ना दें, हम ये ना बताएं देशवासियों को। ऐसा मौका सर, आपने देश की आजादी के दिवस को मौका कह रहे हैं, आप इसे मौका कह रहे हैं, सेलिब्रेट करिए सर इस दिन को, हमें बड़ी मुश्किलों से आजादी मिली है, ये हमारा सर, इसे आप मौका कह रहे हैं, आप इसे मौका कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का? कैसी बात कर रहे हैं कलीमुल हाफिज साहब? नहीं, अपने शब्दों का चुनाव जरा देख कर करिए, समझ रही है प्राची जी? मौका का मतलब है अवसर, अवसर कहते हैं जब ये आजादी में, जब मुजाहिदीन ने आजादी याद किए जाएंगे, शब्दों को सर आप तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं, लेकिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं होता है। याद होंगे गुलाम गौस को भी याद किया जाएगा, मंजर को भी याद किया जाएगा, अगर उनको कोई भुला देगा तो हम उसको याद, कोई नहीं बुला रहा सर, ये आप ही को लगता है कि बुलाया जा रहा है। विनोद बंसल जी जवाब देना चाहते हैं, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लेके आऊंगी। विनोद बंसल जी, प्राची जी बड़ा दुर्भाग्य है एक्चुअली, जब ये कहते हैं कि मुसलमान पीड़ित है तो मुझे कुछ नाम याद आ जाते हैं, कभी अंकित सक्सेना, राहुल सक्सेना, डॉक्टर नारंग, हीरा गुजराती, रिंकू शर्मा, बादल त्यागी, किशन बोलिया, निकिता तोमर, मेरे पास ऐसे 5 दर्जन लोगों की सूची है जिनको किसने मारा, क्यों मारा, किस मानसिकता से मारा, किस मानसिकता के वो शिकार हुए, ये सबको पता है।
इसके बावजूद भी अगर मुसलमान अगर डरा हुआ है, मुसलमानों को कोई परेशान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको 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 अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है प्राची जी, इनके तो पार्टी के नाम के सामने मुसलमान लगा हुआ है, ये तो मुसलमानों की बात करेंगे। आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो किसी हिंदू की बात करेगा, किसी देश की बात करेगा, किसी राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, कोई आजादी की जश्न की बात करेंगे? और ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव, यही तो इनकी चिड़ है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव आखिर मना क्यों रहे हो भाई? ये यही तो इनकी समस्या है। आप मुझे बताइए कि जब 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 मस्जिदों में बम विस्फोट होते हैं तो ये शांत रहते हैं? उनको लगता है अगर किसी ने इस बात को उठा दिया तो मुसलमानों को तंग कर दिया। भागलपुर के अंदर, मोतिहारी के अंदर, गोपालगंज के अंदर, आरा के अंदर, खगड़िया के अंदर, बांका के अंदर, जमुई के अंदर, वो मसले अलग हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए फिलहाल ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपके सुधीर दर्शकों को पता रहना चाहिए। जब मस्जिदों से, मदरसों से बम विस्फोट होते हैं तो इनका मुंह में नहीं जम जाता है, और अगर कोई बात उठा देता है तो इनको लगता है कि ये मुसलमानों के चर्चा को कहीं और लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज बात देशभक्ति को लेकर हो रही है। मैं चाहूंगी कि इसी पर हम जरा रुके रहें और इसी पर चर्चा कर लें कि जब देश के शहीदों की बात होती है, महापुरुषों की बात होती है, तो क्या उसे धर्म के चश्मे से देखना बहुत जरूरी है? हासिब खान जी, इस बात का आप जवाब दीजिए। देखिए मैडम, सबसे पहले तो देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से कहूंगा कि आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, और हमारे आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रही है हमारी सरकार, तो हमें देशवासियों को सारों को मिलके इस देश की आज़ादी के, एक सेकंड सर, मेरे दूसरे मेहमान बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। आज 13 तारीख है, 13, 14, 15 आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस देश की आज़ादी मनाने में सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और पादरी और यहूदी ईसाई सब ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। एक तरफ अगर एक तरफ गांधी जी जेल जा लड़ा रहे थे, एक तरफ नेहरू जी जेल जा रहे थे, तो एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल जा रही थी, एक तरफ फांसी का फंदा अगर भगत सिंह चूम रहे थे तो दूसरी तरफ अशफाक उल्ला खां फांसी का फंदा चूम रहे थे। ये भारत, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, हिंदू भाई भारत माँ कहते हैं, और इस भारत माँ की दो आंखें हैं हिंदू और मुसलमान, इसलिए इन दो आंखों के साथ इस देश की आज़ादी का जश्न मनाना जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि करता है आकाश से बातें भारत देश विशाल, अपने सपनों को देखें साकार जवाहरलाल, फख्र से आज तिरंगा झंडा, जनता से ये कहता है तुमको मुबारक आज़ादी की हो ये 75वीं साल, देश में आज़ादी मना रहे हो, फिरका परस्ती मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, आज़ाद पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है, हुक्मरानी करनी है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी और किसी मजहब का आदमी हो, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की बात यह है कि इस देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को और मुसलमानों का ये राग अड़ाती है, उनके बारे में आप साइलेंट क्यों रह जाते हो? और जब जब देखिए न्यूयॉर्क के अंदर जब हमला होता है एक मुसलमान के अंदर, मुसलमान के ऊपर होता है, 33 साल के बाद फतवा जारी करने के बाद होता है, तो आप चुप कर जाते हो? लेकिन आपको चुप क्यों रहेंगे? वही खतरनाक है, बल्कि जश्न चुप्पी है, वही खतरनाक है। देश में जश्न मनाने में हिंदू मुसलमान मत करो मेरे देश, आपने नाम गिना दिए, फिर कत्ल दोनों तरफ से हुए, सुन लो बंसल जी, देखो याद रखना पड़ेगा, अगर आप इतिहास को भुला दोगे तो बड़ा नुकसान कर बैठोगे। आप मुझे बताइए, ये जो इस्लामिक जिहाद के नाम पर, ये इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कुछ, अरे भाई जिहाद नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए, किसी को नाजायज रहमीन कर रहा है रहमान और आसिफ खान जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इस बात का वाकई में स्वागत करेंगे कि ये पूरे देश के लिए जश्न का माहौल है, इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना जाने कौन सी पार्टी ढूंढने लगती है और क्या उनका मकसद होता है, सवाल तो ये है। अपराजिता जी, ये अगर कोई जश्न मनाया जा रहा है इस देश में और इस तरीके के बयान अगर सामने आएंगे और आरोप ये लगाए जाएंगे, क्योंकि इस देश का मुसलमान आपने डरा रखा है, इसलिए समय समय पर याद दिलाना होगा कि मुसलमानों ने कितना योगदान दिया है देश की आजादी में। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हर घर तिरंगा उत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप सबको
अभिनंदन देना चाहूंगी, शुभेच्छा देती हूं। मैं आप सबको ले चलती हूं फरवरी 2020। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कुछ वक्तव्य दिए थे, वो वक्तव्य आपके समक्ष मैं उपस्थापित करना चाहती हूं। और आज जब ओवैसी जी को सुना तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य याद आ गए, मैं रखना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि जिस या जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो या जय हिंद का नारा दिया वो मुसलमान थे। और समस्या की शुरुआत यहीं से होती है, विपक्षी दलों के लिए ये लोग मुसलमान थे लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है। और बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पक्षपात के बिना विकास की बात करते हैं और पुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण की बात करते हैं, सर्वस्पर्शी समावेशी विकास की बात करते हैं। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारा मूल मंत्र है। देखिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, उसे समझने की कोशिश करें। और मेरे पास एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है, अगर समय मिले तो सारी बातें रखूं, लेकिन निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि किसने कहा कि हमारे मुसलमान भाई बहन सेकेंड क्लास सिटीजन है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। देखिए 2013-14 में हमारा बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री का बजट 3,130 करोड़ रुपए था और अभी 2022-23 में यह बढ़ के 5,020 करोड़ हो चुका है। और हर एक क्षेत्र में आप मुद्रा योजना की बात ले लें, आप जनधन की बात ले लें, आप आयुष्मान भारत की बात ले लें, आप किसान सम्मान की बात ले लें, उज्ज्वला योजना की बात ले लें। आप राजिता जी, आप ये कह रही हैं सबका साथ सबका विकास हम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को एजेंडा स्वरूप ये तमाम चीजें, ठीक है, एजेंडा स्वरूप नहीं किया है, कुछ चीजें नजर नहीं आ रही। आप कह रही हैं आप तो सबका साथ सबका विकास कर रही हैं लेकिन कलीमुल साहब को ये नजर नहीं आ रहा है, इनके नेता को ये नजर नहीं आ रहा है और ये इतने चूर हो रहे हैं विरोध में। कलीमुल साहब जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप करिए ना विरोध बीजेपी का, आप विपक्ष में हैं, आप करिए विरोध, आप करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध, लेकिन आप हिंदुस्तान से बढ़कर हो जाएंगे, हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने का काम करेंगे। सवाल तो पूछूंगी ना फिर मैं आपसे कि रंग क्यों दे रहे हैं आप मजहबी, ये तो इनके डीएनए में, पार्टी बनी इसलिए थी और पार्टी के पूर्वज भी वहीं से आए। एक सेकंड विनोद बंसल जी, बात बारहा कह रहे हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब, कोई गंगा जमनी नहीं है, गंगा जमनी सब एक ही है, मिलकर भाई को चारे की तरह चरने वाला कोई भाईचारा नहीं बना सकता। एकता इस देश की ताकत है, जरा इन्हें खामोश कर दीजिए। एकता कैसे होगी वालों को, ये बहुत इस्लाम की बात करोगे के आगे हिंदू भी लगाए और मुस्लिम भी लगाए और पाकिस्तान की गाओगे तो एकता कैसे रहेगी बताओ ना, एकता कैसे रहेगी, फिर मैं बात कैसे रहेगी जब अल्लाह अकबर का नारा लोगे गला छेद कर दोगे, वो एकता कैसे रहेगी जब घर में जाकर के 16 साल की दोस्ती को एक मिनट के अंदर जिहादी तबाह कर देते हैं। विनोद बंसल जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, बताइए ना विनोद बंसल जी, सुनिए आप भी बताइए, मैं नहीं बता रहा। देखिए चर्चा मैं देश की देशभक्ति को लेकर कर रही हूँ, देश के शहीदों को लेकर कर रही हूँ, महापुरुषों को लेकर कर रही हूँ, इसलिए उनकी बात आना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं के नेता ने बयान दिया है। कलीमुल साहब जी, देशभक्तों की तो बात ही नहीं करेंगे ना ये जी, इनके देशभक्त देखिए देश जब वाले थे। जब महात्मा गांधी ने 1929 में यह आह्वान किया कि 26 जनवरी 1930 से हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, तब यही संघ के लोग, इन्होंने बाकायदा इनके जो संचालक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को शाम को 6 बजे भगवा लहराया जाएगा, जब बोला था 1919 में डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी, संचालक के लोग इन्होंने जब 15 अगस्त हिंसा किसने खामोश करा दी है, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा वरना बताइए ना, क्योंकि ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बोल नहीं सकते, अपर हैंड है, इनको खामोश करा दीजिए, इनको जरा एक बार बात पूरी करने दीजिए। नहीं तो ये जब बात संघ की बात करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ना विनोद बंसल जी, आप काम करिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। कलीमुल साहब, आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, कलीमुल साहब बात रखिए, उसने बाकायदा 15 अगस्त को झंडा फहराने के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा और इन्होंने कहा कि ये अपशकुन है
और बार बार साल तक इनके हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में जब तीन नौजवानों ने झंडा फहराने की कोशिश की तो इसी आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया और फिर उसके बाद इन्होंने अपना फैसला बदला और इन्होंने तिरंगे की इज्जत करना शुरू की। बताओ ना, और ऑर्गेनाइजर को कौन सी रेट का आर्टिकल था वो बताओ जरा, किसका आर्टिकल था क्या है बताओ ना। दूसरी बात, जो हमारी सांसद झूठ मत फैलाइए, ये इंडिया टीवी है, उन्होंने क्या पांच लोकल चैनल नहीं है। मैडम 4,100 करोड़ का बजट रह गया है जो कि 5,000 करोड़ पहले उसका बजट था। करीमुल हाफिज साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। करीमुल हाफिज साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात। बजट को लेकर भी चर्चा कर लेंगे, आप जो तमाम घटना कह रहे हैं मैं उसको लेकर भी चर्चा कर लूंगी, लेकिन ये कहां तक जायज है कि जब देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आप हिंदू मुसलमान लेकर आ जाएंगे? देश के शहीदों का कोई धर्म होता है क्या? महापुरुषों का कोई धर्म होता है क्या? मैडम आप सुनिए, सर्टिफिकेट बांटना आता है इनको। विनोद बंसल जी, एक से जवाब दे रहा हूं। हाँ। देखिए मैडम, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को जो आजाद कराया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर कराया, तो नाम लेकिन मुसलमानों ने भी इसको आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अरे ये उनके बारे में तो जान रहे हो भाई, ये बंसल जी जैसे लोग बस चले तो नहीं पता। हम चाहते हैं देश के विभाजन में क्या आता था, इतिहास ये बताता है बनवाया अफगानिस्तान किसने बनवाया? मैं बोलना नहीं चाहता था प्राची जी, आज मुझे बोलना पड़ेगा। आखिरकार पाकिस्तान किसकी वजह से बना? अफगानिस्तान किसकी वजह से बना? आखिरकार बांग्लादेश किसकी वजह से बना? जला दिया गया। आप मुझे बताइए, वहां से हिंदुओं को मार के काट के धर्मांतरित करके भगाने का काम किसने किया? यही देशभक्ति है इनकी, इसको लड़ाया और आजाद कराया है। नहीं, ये जो लोग पावर में आ गए हैं वो हमेशा से संविधान विरोधी रहे हैं। इन्होंने बाकायदा लिख के कहा है ये संविधान की बात को सर्टिफिकेट मान रहे हैं वो लोग, अब संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और रुकिए ना चर्चा देखिए, अगर जब देश के अमृत महोत्सव को लेकर है तो मुझे लगता है दोनों को पेशेंस रखना होगा और एक एक करके अपनी बात कहनी होगी। आज़िक खान जी, मुसलमानों की कुर्बानियां, ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। विनोद बंसल जी, एक सेकंड रुकिए ना, यहाँ चर्चा में धर्म को लेकर नहीं कर रही हूँ। विनोद बंसल जी, मैं चर्चा धर्म को लेकर नहीं कर रही हूँ, टॉपिक को समझिए ना, टॉपिक को समझिए एक सेकंड। बिल्कुल, आप भी चुप रहिए, वो भी चुप रहेंगे। हाज़िक खान साहब, जब देश की बात हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है, रुकिए ना, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है बताने के लिए ना सर, रुकिए। कलीमुल हाफिज साहब, बड़े ठेकेदार हैं, सारे पाकिस्तान चले गए आपके स्वतंत्रता सेनानी, अब कोई नहीं बचा उसमें से। आपको जितना भी स्वतंत्रता सेनानी जिसको कह रहे हो वो सब पाकिस्तान में जा चुके हैं, अफगानिस्तान में चले गए, बांग्लादेश में चले गए, अब भारत में नहीं है कोई स्वतंत्रता सेनानी। आप तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर देश विभाजनकारी षड्यंत्रकारी लोग हैं आपके पास। आप छोड़ दीजिए, ये सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफिकेशन करना बंद कर दीजिए। भारत का मुसलमान भी जानता है, आप दोनों एक दूसरे को अगर ऐसे ही कोसते रहेंगे तो मेरी इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा सर। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, शांत हो जाइए जरा सर, शांत हो जाइए। बड़ा गंभीर मसला है जिस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, ऐसे एक दूसरे को कोसते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपने क्या किया, उन्होंने क्या कहा? एक सेकंड सर, प्लीज 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 चुप हो जाइए सर, सर प्लीज प्लीज, मैं अनुरोध कर रही हूँ आपसे। हाज़िक खान जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए, जब बात हिंदुस्तान की हो रही है तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं ना, तमाम हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, तमाम इंडियंस की बात कर रहे हैं, इसमें कैटेगराइज कर देना वो भी अपने ही महापुरुषों को, ये कहां तक जायज है? ये कौन सी राजनीति का परिचय? देखिए, जब मुल्क की आजादी की बात आती है मैडम, तो इतिहास के तथ्यों को टटोला जाता है और उसमें देखा जाता है कि किसकी क्या कुर्बानी है। अगर किसी की कुर्बानी है, किसी की, बंसल जी एक नाम नहीं बता पाए अब तक, जैसे कलीम हफीज कह रहे हैं कि इनके स्वतंत्रता सेनानियों में कौन हिस्सेदारी। अच्छा, मेरा स्वतंत्रता सेनानी अलग है, आपका अलग है? मैं क्या, मैं बताइए ना, आपका स्वतंत्रता सेनानी, मेरा स्वतंत्रता सेनानी क्या होता है? मैं स्वतंत्रता सेनानी मानता हूँ। आप देश को विभाजित करने की कोशिश मत करिए। आपका कौन सा स्वतंत्रता सेनानी? आपका कौन सा स्वतंत्रता है? कैसी बात कर रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको, सारे की बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान। अरे मुझे बताइए, मेरा 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 स्वतंत्रता सेनानी क्या मतलब है? आपने ये बात बोली कैसे? हर पेड़ पे आपने बात बोली कैसे? इस देश की आजादी के लिए प्राची देख लिया, बात होगी ये कहते कुछ और करते कुछ और, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बात फंस गए, जिसे पाकिस्तान जाना था
आवाज लगी 47 के बाद, एक तरफ जिन्ना ने आवाज लगाई, एक तरफ गांधी नेहरू मौलाना अबुल कलाम ने आवाज लगाई, लाल किले की और उसकी मस्जिद की काट के किसने भेजा से जाना है, वहां से हिंदुओं को काट काट के किसने भेजा था बताओ ना, ये बात हिंदुओं को काट काट के ट्रेन भर के किसने भेजा था इस देश बोलिए ना, गांधी जी और नेहरू जी की और मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज, नेहरू जी हिंदुस्तान, नेहरू जी नेहरू जी की बात कर रहे हो, पाकिस्तान, अरे मुझे बताइए आखिरकार पाकिस्तान में आदमी धर्मांतरण क्यों होता है बताओ ना, हमारा देश बांग्लादेश से कुछ लेना ना मैं पाकिस्तान से, आपको तो भारत के टुकड़े करने हैं, अफगानिस्तान से, आपकी तो मानसिकता से भारत के टुकड़े करने की बात है, 35 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, हम अपने देशवासियों से कहेंगे कि 15 अगस्त बोला भारत माता की जय, आज भारत माता की जय हो जाए, 15 अगस्त अरे मौलाना साहब बताओ आज आज टीवी चैनल पर बैठ करके स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर भी अगर मैं कहता हूँ भारत माता की जय बोलना तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, हम की पर बोलिए ना, बोलिए भारत माता की शांति चाहते हैं, बोला ना भारत माता की जय, एकता चाहते हैं, अच्छा एक बता दिए हाँ जी साहब, मुझे दो प्रश्न का जवाब दीजिए बस, एक तो ये बताइए कि इस्लाम बड़ा या हिंदुस्तान, देखिए एक मिनट मेरी बात को पूरा होने दीजिए, कुरान बड़ी या संविधान, और तीसरी सवाल ये है कि मुझे बताइए कि ये भारत के अंदर भारत में रहते हैं आप मुझे भाई कहते हो तो भारत माता की जय बोलोगे तभी तो मैं आपका भाई हूँ, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, अपने कुछ तरह, अरे बोलिए मजहब ज्यादा, अरे मजहब बढ़ाया भारत, अरे मजहब बढ़ाया भारत, बताओ ना मजहब बढ़ाया भारत, यही तो बात है, देखिए दोनों एक ही भारत माता की जय नहीं बोलोगे आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, मुझे पता है इसी को देखिए इंडिया टीवी के सुधीर दर्शक समझ गए, अच्छा इंडिया टीवी के सुधीर दर्शक अच्छी तरह समझ गए कि ये कहाँ पर है, इनके अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, आपस में अरे पैर क्या रखना है यार, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, देखिए आज ये नंगे हो गए कुर्बान होने वाले, अच्छा बताइए कुरान बड़ी संविधान आपकी निगाह में आपका दाना बड़ा या आपोता बड़ा बताओ ना, अरे अरे मेरी प्रश्न का जवाब नहीं होता, बताओ कुरान बड़ी संविधान बताओ ना, और विनोद बंसल जी, हिंदुस्तान बड़ा या विनोद बंसल जी और आसिफ खान साहब, ऐसे तो चर्चा है, सूरज बड़ा चर्चा का कोई मतलब नहीं है, चर्चा का कोई मतलब नहीं है सर, हाजिर खान साहब और हाजिर खान जी प्लीज, हाजिर खान जी प्लीज एक मिनट चुप हो जाइए, विनोद बंसल जी आप भी प्लीज चुप हो जाइए, अगर आप दोनों को मैंने मौका दे दिया तो फिर चर्चा पता नहीं कहाँ चली जाएगी और मुद्दा मेरा वहीं का वहीं रह जाएगा, सर मेरे पास वक्त सीमित होता है, मेरे पास वक्त सीमित होता है, रुकिए ना सर, रुकिए हाजिर खान जी एक सेकंड चुप हो जाइए, विनोद बंसल जी एक सेकंड चुप हो जाइए, अपराजिता जी आप जरा चर्चा में आ जाइए क्योंकि ये तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मुद्दा कहीं और चला जाएगा, नहीं आज आपके पैनलिस्ट को नहीं, विनोद बंसल जी सुनिए ना, विनोद बंसल जी अब आप तय नहीं करेंगे किसको क्या बोलना है किसको क्या नहीं बोलना है, चर्चा पे रहते हैं ना, अरे मैंने चर्चा पे रहते हैं, अरे बोलने दीजिए, विनोद बंसल जी बाकी मेहमान भी हैं चर्चा में, ख्याल रख लीजिए सर, मैं वही तो कह रहा हूं, अपराजिता जी देखिए 2 दिनों बाद 15 अगस्त को हम 75 साल अपने स्वाधीनता का मनाने जा रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन है और आजादी का अमृत महोत्सव का दौर चल रहा है, 25 सालों में जब 2047 हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम बहुत सारे मुकाम तक पहुंच गए होंगे, इस समय हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हाथ मिलाकर साथ चल के काम करना है, और मैं कह दूं बहुत ही विश्वास के साथ कि केंद्र सरकार न हिंदू के लिए न मुसलमानों के लिए केवल काम करती है, केंद्र सरकार प्रत्येक भारतीय के लिए काम करती है और विकास के साथ विश्वास का माहौल बना रही है, इस बात को आप सबको मानना होगा, अच्छा लगे न लगे लेकिन जो सच है वो कहना होगा। और जहां तक ओवैसी जी का सवाल, देखिए ओवैसी जी न्यूज़पेपर अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं और मुस्लिम्स के कॉज का चैंपियन होना चाहते हैं और इसीलिए आज गिरिराज जी ने कहा कि वो दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस वक्तव्य का समर्थन करना चाहूंगी, ठीक है, और ऐसा है कि आधारहीन भित्तिहीन बातचीत, वो जानते हैं कि इस आरोप का जवाब ले लेते हैं, एक मिनट इस बात का जवाब ले लेते हैं,
और मैं कलीमुल हाफिज साहब के पास जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है विनोद बंसल जी आपसे, हाजिक खान जी आपसे और तमाम मेरे पैनलिस्ट से कि कोई किसी के बीच में ना बोले, वरना दर्शक नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कलीमुल साहब देखिए, ये जो अपराजिता जी आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब लेने दीजिए। कलीमुल साहब जी, मैं सारंगी मैम का जवाब देना चाहता हूँ जो जिन्ना के हवाले से कहा कि जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अल्लाह बख्श की सरकार थी, उसे जब अंग्रेजों ने बर्खास्त कर दिया क्योंकि अल्लाह बख्श पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, तो वहीं उसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सावरकर जी की हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई, और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से और मुस्लिम लीग के ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। तो ये दोनों लोग, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दो सरकार बनाए थे आजादी से पहले, किसी हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाई थी। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान चाहिए था वो हिंदुस्तान को तो शांति से रहने दीजिए ना। विनोद बंसल जी रुके ना, बीच में नहीं बोलेगा कोई, विनोद बंसल जी बीच में नहीं बोलेगा, अरे बीच में नहीं बोलेगा हाजिक खान साहब और विनोद बंसल जी बीच में नहीं बोलेगा। मैं सवाल कर रही हूँ ना, सवाल करने दीजिए कलीमुल साहब, लेकिन हिंदुस्तान में तो एकता रहने दीजिए ना। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन आप जो लोग यहाँ पर हैं हिंदुस्तान को क्यों बांटने पे तुले हुए हैं? नहीं मैं, अरे साहब मैं उस, देखिए मैडम मैं, आप बोलिए ना, अभी गिरिराज जी ने कहा, नहीं मैडम मेरी आवाज सुन नहीं है? हाँ मैं सुन रही हूँ, आप रखिए ना अपनी बात। देखिए मैडम, गिरिराज जी ने कहा आप दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं, गिरिराज जी ने कहा पाकिस्तान चले जाए, हमारी मैडम अपराजिता सारंगी जी ने कहा हाँ मैं उनके समर्थन कर रही हूँ, तो इन्हें सच पता चलना चाहिए ना। जिन्ना के साथ कौन था? जिन्ना के साथ आरएसएस थी, दो राज्यों में सरकार। आप उस बयान को जस्टिफाई कर दीजिए, सुनिए ना मेरी बात, चलिए सुनिए अपराजिता जी ने जो कहा, गिरिराज सिंह ने जो कहा, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, आइए ना सर मुझसे बात करिए, कलीमुल साहब मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए, मेरी बात सुनिए ना। चलिए ठीक है, गिरिराज सिंह और जिन्ना इनको हम अलग हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, आप अपने नेता के बयान पर आइए। ये जरूरी है क्या इस देश में कि जब हम देश के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, देश की आजादी का जिक्र कर रहे हैं, गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं हमारे पास, हम हिंदू मुसलमान करने लग जाए इसमें? इसके बिना भाषण नहीं दे सकते आपके नेता? तो देखिए मेरे नेता ने जो कल पैगाम दिया ना, वो पैगाम दिया कि आजादी के मौके पर देश की आवाम को दिल, सोच और हाथ मिला लेना चाहिए ताकि जुल्म का खात्मा हो, गरीबी कम हो और सब मिलजुल कर मुल्क की हिफाजत करें। यह पैगाम दिया बरिश्तुद्दीन उवैसी साहब ने कल, लेकिन आपने वो वाला उठा लिया जहां से वो आपको सूट तो करता वो बोला है ना कलीमुल हाफिज साहब, नहीं सूट करने की बात नहीं है, सूट करने की बात नहीं है कलीमुल हाफिज साहब, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप सर, ये बहुत आसान है, आपके नेता ने नहीं बोला क्या? डिनाई कर दीजिए, आप डिनाई कर दीजिए कि आपके नेता ने नहीं बोला ऐसा कुछ भी, क्या जो हम चला रहे हैं वो बोला ही नहीं है? नहीं, मेरे नेता ने सर तारीख बताई कि मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी देश को आजाद करने में। तो जब बोला है उस पर चर्चा कर रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि आप उसी बात को दिखा रहे हैं। मुसलमान किसी से पीछे नहीं है, उन्होंने भी इस देश को आजाद कराने में बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दी है। अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, तो क्या आपकी राजनीति नहीं चल पाएगी? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपकी राजनीति नहीं चल पाएगी क्या? अच्छा मैडम एक बात बताइए, अगर मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और मुसलमान की कुर्बानियों को कोई सरकार या जो सत्ता में बैठे हुए लोग जिक्र ना करें, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या हम नहीं जानते कि हमारे देश में जो हमें आजादी मिली उसमें किस किस का योगदान था? क्या हम नहीं जानते कि उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे? अब किसी सरकार को हमें बताने की जरूरत है क्या? सारे हिंदुस्तान के साथ बताइए, रानी झांसी के साथ कौन सी जगह अपनी अपनी कुर्बानी दी, आप बताइए मुझे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल थे, सारे हिंदुस्तान के, यही देखिए, हर वर्ग अपनी संस्कृति अपनी कुर्बानी को बताना चाहता है। अगर हमने भी बता दिया तो उसमें गलत क्या है? अगर हमको झूठ बोल रहे हो तो आप हमें बताया, जरा बताओ, अगर हमको गलत बयान कर रहे हैं आप हमें बताया, आपके अलावा किसी किस वर्ग ने बताया? ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो ना आप कि मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी, मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी, अरे मुझे बताइए, ये सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो, ये सर्टिफिकेट मांगा किसने था?
आपने पाकिस्तान बनाने वाले भी सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये समझ नहीं आया? आपने बताइए आखिरकार जिसने बांग्लादेश बना दिया वो सर्टिफिकेट बांट रहा है? कमाल की बात है, हिंदुओं को मरवा दिया वो सर्टिफिकेट बांट रहा है? वो ट्रेन भर भर के और वहां से जो आई थी और फिर कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, कमाल की बात है। अरे अरे कुछ तो शर्म करो यार, अरे कुछ तो शर्म करो यार, मुस्लिम लीग में कौन लोग थे? सच्ची कहो, टेररिस्ट की धमकी किसने दी थी? मोपला मोपला हमला किसने किया था बता दो ना, कुछ ये भी बता दो। आखिरकार नहीं मुझे बताइए, ये जो 15वां हम आजादी का महोत्सव बनाने जा रहे हैं उसमें कत्ल की बात नहीं होना चाहिए, उसमें देश की उन्नति विकास की बात होनी चाहिए। आप दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं। देखिए कलीमुल साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप देखिए ना। आसिफ खान जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए विनोद बंसल जी। अरे सुनिए ना विनोद बंसल जी, सुनिए, आप दोनों यहाँ लड़ रहे हैं, देखिए कलीमुल साहब के चेहरे की मुस्कुराहट। नहीं लड़ नहीं रहा मैं, अरे आप सुनिए ना, मुस्कुराहट तो देखिए। मैं तो अपने साथियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे विनोद बंसल जी, हम चर्चा को वहाँ पर क्यों लेकर जाए? अरे मेरा सीधा सा सवाल है, अच्छा आप इस बात का जवाब दीजिए, मुझे बताइए क्या इस देश में देश की जनता को ये बताने की जरूरत है किसने कौन सी कहां कुर्बानी दी? धर्म क्यों देखने लग जाते हैं आप? बड़ा सिंपल सा बिना किसी एग्जांपल के मुझे जवाब दीजिएगा विनोद बंसल जी। आप निश्चित रूप से, हमने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू स्वतंत्रता सेनानी था या मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी था, हिंदू समाज कभी नहीं कहता इस बात को लेकर के। हमारे लिए प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी, उसका नाम कुछ भी है, कुर्बानी कैसी भी है, कहीं का भी रहने वाला है, वो सारे के सारे हमारे लिए आराध्य हैं, पूज्य हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन दुर्भाग्य वो लोग जो भारत माता की जय बोलते होते शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उनको ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। विनोद बंसल जी सुनिए जरा, आपने कह दिया कि आपको आप किसी भी चीज में धर्म नहीं देखते हैं, जरा कलीमुल साहब इस बात का आप जवाब दीजिएगा। बड़े ही साफ शब्दों में विनोद बंसल जी ने कहा है किसी भी धर्म का हो, कुर्बानी हुई है इस देश के लिए तो वो हमारे लिए आराध्य है। बिल्कुल निश्चित रूप से, आपको क्या आपत्ति है इस बात पर? इनको भी होना चाहिए। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत कर रहा हूं इनके, अगर ये इसी बात पे रहे और ये अपने जो इनका असल रंग है बीएचपी का उसे छोड़कर सम्मान करते हो चर्चा को समाप्त करना होगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आप सब एक दूसरे में उलझे रहेंगे लेकिन मेन मसले का यहाँ पर हल नहीं निकल पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश अगर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसमें मजहब ढूंढने की जरूरत क्या है? मजहब पर बांटने वालों का आखिर असली मकसद क्या है, समझने की हमें कोशिश करनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।